नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी। आज की क्लास जो है जो अनअकैडमी पे है, कोर्स है, छोटा सा एक घंटे की क्लास है, हाउ टू कंप्लीट फुल मैथ्स इन टू। टाइटल भी यही है, हाउ टू कंप्लीट फुल मैथ्स इन टू मंथ्स। एक ही लेसन होगा, 22 दिसंबर तारीख है, आपको पढ़ा रहे हैं अभिनय। तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए सब, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आज की क्लास में हम। डॉक्टर मसूर गुलाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अभी आज बड़े चिकने लग रहे हैं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई चिकनापन नहीं है, बस कहने की बात है, हमें ही पता कितने चिकने हैं कितने नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैसेज आ चुके, आवाज नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखिए अभी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि 2 मंथ सीजीएल को रहेगा। मैं आप सबके डाउट लूंगा, बेसिकली आज की जो क्लास है, जो आप बीच बीच में डाउट पूछते हैं कैसे पढ़ाई करें क्या ना करें, आप मुझे अपने डाउट भेजते रहिए डाउट सेक्शन में, क्वेश्चन टैग में, जो भी आपको डाउट है, जो भी कि क्यों आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हर बात का मैं जवाब दूंगा। 2 मंथ्स रह गए हैं, अब 2 मंथ्स में कैसे मैथ्स कंप्लीट करें, तो पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे प्लस पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़े हैं कमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, शायद कर पा रहे होंगे, कमेंट कर पा रहे हैं ना भाई आप सब कमेंट, जो लोग प्लस में है भी नहीं। जोकर द एंटरटेनर आई एम, ओके ओके। हाय सर, आपका न्यू बैच कब आएगा? हम तो पुराने एवेंजर साहब, यस मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, तो प्लस पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर वो आज से भी मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आज से इन द सेंस कल से भी वो 23 दिसंबर से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये वादा देता हूँ उनको कि टिल सीजीएल तक मैं उनको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स पूरा पढ़ा दूंगा। तो जो अब बच्चे प्लस पे पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस उनको रोज जो भी 2 से 4 घंटे की क्लास हो रही है तो रोज क्लास करने की जरूरत है। और हम एक अभी और भी एक ऐसा बैच भी लेके आने वाले हैं, उन्हीं प्लस में ही होगा वो बैच भी, जहाँ पे हम मिक्स सवाल करेंगे, मिक्स सवाल मैं आपसे पूछूंगा आप जवाब देंगे, ऑनलाइन पेपर सॉल्व करेंगे हम और आप मिलकर, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। अब जो बच्चे प्लस पे नहीं, अच्छा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैथ्स पढ़ने की, आवाज़ कम आ रही है, एक सेकेंड। एक तो इतनी ठंड है दिल्ली में, आपको पता ही होगा अभी ठंड अचानक से बढ़ी है, अब आवाज आ रही है सिंगल साहब। हर बच्चे जो जो भी बच्चे मेरे से कुछ पूछेंगे, मैं देखिए आपके सवालों में ही स्ट्रेटेजी निकल के आएगी जो भी आप, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ये बताएं प्रैक्टिस कहाँ से करें और कितनी। देखिए कितनी की कोई सीमा नहीं है, इतनी है कि आप सोच नहीं सकते प्रैक्टिस कहाँ से करें। जो भी आपको पीडीएफ या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक चीज जरूर कहूंगा कि किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस ना करें, किसी भी ऐसी किताब से प्रैक्टिस ना करें जिसके अंदर 5000-6000 सवाल हैं, क्योंकि ना ही उसका वक्त है और वक्त रहने पर भी नहीं करनी, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपका पूरा मैथ्स खत्म हो गया है तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं 2016 2017 2018 के सारे प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। कौन कौन से? सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, सीपीओ, इन चारों के आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं 2016 17 18, ठीक है, क्लियर है बात? प्रैक्टिस की बात मैंने बताई है, इससे ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए टाइम खराब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 50 में 50 नंबर लेके आ सकते हैं मैथ्स में,
पूरा मैथ्स पढ़ने के बाद अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, और ये सारे पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे हैं काफी हद तक, जो नहीं भेजे हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे किसी भी ग्रुप में कहीं भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए इससे ऊपर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सर ये प्रैक्टिस सेट की बुक नहीं मिल रही? अरे हर चीज जरूरी है कि मार्केट में ही मिले, कोई बात नहीं, वैसे तो मिल रही है बुक्स, आपको नहीं पता होगा आप जाके पूछेंगे दुकान पे तो मिल जाएगी। गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, लाइव देखता हूँ आपको और पीडीएफ सॉल्व करता हूँ। चैनल नेम मेरा अभिनय मैथ्स है, टेलीग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, ठीक है। सर एडवांस मैथ्स कैसे भूल जाते हैं जल्दी? ये तो बिल्कुल भी भूलने वाली चीज नहीं है, आपने इसका मतलब मन से पढ़ाई नहीं है। एटलीस्ट दो बार खत्म कीजिए, कम से कम दो बार खत्म करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे और रट जाएगा, और जब तक एडवांस मैथ्स रटेगा नहीं तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको रटना पड़ेगा बिल्कुल, एकदम कंठस्थ रखना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा। चलिए और कोई भाई साहब क्या कहेंगे? सबके डाउट कॉमन ही होते हैं, आ जाएंगे। सर मैथ्स में सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, इजी नहीं हो पाते, ये अलग दिक्कत आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब आपने बहुत बेसिक्स छोड़ रखे हैं, कि टफ क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपसे वही होते होंगे जो मैंने क्लास में करा दिए हैं, जो आपने रट रखे हैं। नहीं तो जो बंदा खुद से अगर टफ क्वेश्चन कर सकता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजी ना हो। और नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए भाई कि 50 नंबर का पेपर है, 25 क्वेश्चन आए, आपने 12 ठीक किए, 13 गलत किए। तो पहले तो आप ये 12 में भी देखिए कितने ऐसे थे जो आपने तुक्के से ठीक कर दिए, मान लेते हैं 2 सवाल, तो वो आपको क्यों नहीं आते थे वो देखिए। 13 सवाल में ऐसे कितने थे जो आपने आते हुए गलत कर दिए 3 सवाल, तो ये गलती दोबारा ना हो इनको एक बार देखिए। और जो बच के 10 सवाल, इसका मतलब 10 का आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा। ये जिस भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए, खत्म करिए। जब तक आप अपनी गलतियां फाइंड नहीं करेंगे तो कभी नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर कोई हवा में नहीं बढ़ते भाई। बहुत तेज तेज आपके डाउट्स आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन वाले डाउट्स लूंगा, ये पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वाले। सर 2 मंथ्स में क्या जीके कंप्लीट हो सकता है? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। इतना हो सकता है कि आप मान के चलिए 25 में से आप 15 सवाल कर सकते हैं, इतना सही हो सकता है, 15 सवाल करिए। अब तो जीएस के अच्छे अच्छे एजुकेटर भी पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पे, जीत सर हैं, जितेंद्र कुमार, काफी अच्छी पढ़ा रहे हैं, काफी डीपली पढ़ा रहे हैं। अगर आप उनकी क्लास करते हैं, उनको बोलिए कि आप 2 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट कराइए, कैसे भी करके प्रेशर बनाइए। सर फ्रेंड शादी देखकर दिमाग खराब हो जाता है, लगता है अभी हमें कहीं नहीं है, डिप्रेस फील होता है। अरे सालू ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। वेट करिए अच्छे वक्त का, वेट फॉर गुड टाइम, अच्छे वक्त का वेट करिए, जरूर अच्छा वक्त आता है। हमें लगता है हम जिस वक्त में परेशान हो रहे होते हैं, बाद में जब हम उन पलों को याद करते हैं तो हमें हंसी आती है कि हम किस बात पे परेशान हो रहे थे। तो परेशान नहीं होना, इंतजार करिए, पेशेंस रखिए, बिना पेशेंस धैर्य के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, धैर्य रखना ही पड़ता है। आई अपियर फॉर सीजीएल इन 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गॉट डिसक्वालिफाइड ड्यू टू पियर मार्क्स इन मैथ टीयर 2। दिस ईयर आई एम होपिंग टू गेट सिलेक्टेड विद योर गाइडेंस। वाओ कॉन्ग्रेट्स भाई, आप इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू सायचन, आप इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहे। सर आपसे पढ़ने के बाद अब एडवांस में मुझे इजी लगने लगी है, एग्जाम में 2 बार और कंप्लीट करूंगी ताकि कुछ बाकी ना रहे। नहीं नहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा बेटा, आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। सर मैं एडवांस कंप्लीट कर लिया हूँ, बस अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा, साथ में लेकर चलें दोनों? हाँ चल सकते हैं, अगर आपने एक कंप्लीट कर लिया है तो दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर अर्थमेटिक कंप्लीट है, एडवांस बाकी है और जीएस पूरा बाकी है, क्या करूं प्री से पहले हो जाए? अर्थमेटिक कंप्लीट है, एडवांस बाकी है, एडवांस में ही 2 मंथ्स लगेंगे, लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप पुरानी वीडियोस देखना शुरू करें, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो। और जीएस पूरा बाकी है, बहुत मुश्किल है भाई जीएस में, आप ये कर सकते हैं कि पॉलिटी खत्म कर लें, हिस्ट्री खत्म कर लें,
करंट अफेयर खत्म कर लें, ठीक है? मतलब चार पांच चीजें आप फिजिक्स खत्म कर सकते हैं, फिजिक्स से सवाल आता है, आप केमिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, मतलब अगर बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट इतना खत्म कर सकते हैं। गुरुजी मैथ में जो टॉपिक चलता है उसके क्वेश्चन हो जाते हैं, बट ज्यादा दिन हो जाता है तो सवाल नहीं हो पाता, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं, थोड़ा रिवाइज करते रहिए, एक बार देखिए रट जाएगा, रिवाइज करते रहिए, इतने लंबे टाइम के समय के लिए छोड़िए मत किसी भी चीज को, क्योंकि आपका उतना इंटरेस्ट तो है नहीं जितना हमारा है कि हम तो 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद भी याद करेंगे तो याद ही रहेगा सब, बट आपके साथ वैसा नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। सर क्या प्लस पर एसएससी की मैथ्स रेलवे एनटीपीसी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी? यस, एक ही तो है, सब कुछ खास नहीं, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है तो वो हम पढ़ाते ही हैं हर बैच में, हर एक में। यस बिल्कुल कवर हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। सर आप जो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हो वो काफी है रिवीजन के लिए? यस, मैं और भी करा दूंगा, आप बोलेंगे आप उतना ही नहीं कर पाते इसलिए मैं और नहीं कराता हूँ। सर पीडीए सब कुछ है, जब सवाल आते हैं पढ़ा सब कुछ है, बट जब सवाल आते हैं अलग टाइप में तो मेथड भूल जाते हैं और क्वेश्चन करूं अटेम्प्ट नहीं हो पाते। और सर प्लीज ब्रेव सिर्फ दो मशीन है, भाई आप क्या लिख रहे हो समझना मुश्किल है। प्लीज मच ब्रेव सिर्फ दो मशीन है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं बच्चे ना। सर कैसा लेवल आएगा क्वेश्चंस का, क्या 40 है वो आ सकते हैं आपकी सीट करने पे? 50 तक आ सकते हैं आप, क्या विजय पवार हैं, विनय पवार हैं, 50 तक आ सकते हैं आपको, उसके साथ साथ 2016, 2017, 2018 इन सबके पेपर्स भी करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैं 20 दिन से प्लस पर हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, क्या ये एनफ है? यस, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 मंथ की लाइव क्लास कर लेंगे, 2 मंथ अगर आप लगातार लाइव क्लास कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि चीजें आसान हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सर टाइम टेबल कैसे बनाएं प्रैक्टिस के लिए? कुछ नहीं है यार, टाइम टेबल कुछ नहीं है, मान लेते हैं 4 आवर्स क्लास रहती है तो क्लास में ही समझने की कोशिश करो, उसके अलावा 2 आवर अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, बस कोई बड़ी बात नहीं है। सर एक रिवीजन बैच लेकर आइए ना प्लीज, जैसा 2018 में लाए थे। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 जनवरी के आसपास ऐसा कोई बैच लेके आए, या 5 जनवरी के आसपास। प्रैक्टिस कहाँ से हो बस ये बता दो, क्लास वाला तो सब हो रहा है, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, एडवांस होने। मैंने अभी आपने, मैं अंकुर गौतम जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने 2016, 17, 18 के सारे पेपर्स कर लिए, चारों एग्जाम के, सीपीओ, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, ये सब मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, बताओ कर लिया आपने सब? नहीं किया फिर आप अलग बात करते हैं, पहले सबसे पहले यही करिए। मैं YouTube पे देखिए, मैं बहुत सारे लोग YouTube के लिए भी पूछ रहे हैं, मैं YouTube पे भी जितने भी टॉपिक रह गए हैं वो भी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है? सही में वक्त नहीं मिला था, बहुत सारी चीजें थी, आप सब लोगों को नहीं पता, पर्सनली चल रही थी तो उन सब में मैं बहुत बिजी था, अब थोड़ा सा फ्री होके कराता हूँ, ठीक है? सर टेंशन बहुत है, 826 सीजीएल सीएचएसएल लैक बाई 1 और 2 मार्क्स, बहुत ताने खा रहा हूँ रिलेटिव्स के। सर एक बार कॉल उठा लीजिए 2000। जी बिल्कुल मैं कॉल उठाऊंगा, आप पहले मुझे मैसेज कर दीजिए कि ये आपका नंबर है मुनिंदर जी, मैं आपको खुद को कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है? आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कल मैं श्योर आपको कॉल कर लूंगा, और आप ऐसे बिल्कुल टेंशन ना लें, ये सब
टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, बीत जाएगा और अच्छा वक्त आएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सर एडवांस में आपका ओल्ड कोर्स ही करें, न्यू न्यू आएगा 20 जनवरी के आसपास, तो न्यू भी कर सकते हैं। सर गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, लाइव देखता रहूं या आपका पीडीएफ सॉल्व करता रहूं? लाइव देखो, मैं सब तो पीडीएफ के सवाल करा ही देता हूं गुलाटी जी, सारे पीडीएफ के सवाल मैं करा देता हूं। आप लाइव करोगे तो ज्यादा चीजें याद होंगी सामने। हेलो ओके ओके ओके, पता नहीं कैसे आज सुबह से 2 बार ऐसा हो चुका है कि इंटरनेट आने के बाद भी पता नहीं कैसे क्लास बंद हो जा रही है अपने आप हैंग होने के बाद। इन्होंने पूछा था भाई साहब ने कि लाइव देखता रहूं या पीडीएफ सॉल्व करूं। देखिए मैं मैक्सिमम सवाल पीडीएफ के 90%, जितने भी हर टॉपिक के डाउट होते हैं आपके कठिन सवाल, वो सब मैं क्लास के अंदर ही करा देता हूँ। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉक के बजाय, जो मैं लोग मॉक पूछते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि 2016 17 18 के पेपर कर लो, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो आप 2012 से लेकर के 2018 तक मेंस के सारे पेपर कर लो, अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम बच जाता है तो। अजय तिवारी बिल्कुल बात कर सकते हैं अभी, आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच द मेंस सेक्शन इन द एग्जाम? देखिए कितना अजीब सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। व्हाट द बेस्ट वे, मतलब अगर ऐसा कुछ वे होता, बेस्ट होता, तो फिर वही एक वे हो जाता, सब उसी को फॉलो करते, ऐसा कोई वे नहीं है। वे डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग कि आपका क्या वे है, ठीक है, आपका करने का क्या तरीका है। बेस्ट वे कुछ नहीं होता, बस ये है कि हाँ एक बार में हम वो सवाल करेंगे जो हमने देखे हुए हैं, एकदम मुझे पता है मैं कर लूंगा, और दोबारा में हम वो सवाल देखेंगे जो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, और तिबारा में वो सवाल जो थोड़े कठिन है, ठीक है। मैं तो हमेशा तीन तरीके से ही सवालों को करता था, तीन वे में ही सवालों को करता था। सर जॉब की वजह से टाइम कम मिल पाता है इसलिए आपके लाइव नहीं देख पाता, रिकॉर्डिंग ही देखता हूँ हमेशा। आपका नंबर क्या है जिस पर मैं आपसे कुछ गाइडेंस ले सकूं? ये आप एक दिन क्लास आने के बाद बता सकते हैं, क्लास के बीच में आएंगे तो आपको फोन नंबर दे देंगे, तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। सर प्लीज हो सके तो एसएससी मेंस का 2016 से 18 तक का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए टेलीग्राम में प्लीज। मैंने काफी किया हुआ है, मैक्सिमम किया हुआ है, अगर कोई भी बच गया है तो मैं दोबारा कर दूंगा या बाद में कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज बोलना चाह रहे हैं तो सबके लिए थैंक्स स्पेशली। सर मॉक दें या नहीं, बिकॉज मॉक के थोड़े हार्ड क्वेश्चन डालते हैं। नहीं दें, बिल्कुल ना दें, अब वक्त नहीं है मॉक देने का। मैं बताता रहा हूँ आपको, आप 2016 में 43 सेट थे, 2017 में इससे भी ज्यादा 60 के आसपास सेट थे, तो आप ये सेट ही एज ए मॉक दें। कैसे मैं आपको समझाऊं, कितनी बार समझाऊं कि आप इन सेटों को ही एज ए मॉक दीजिए, मैथ के देना चाहते हैं खाली मैथ के दीजिए, यही बेस्ट तरीका है। सर मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? एक ही सवाल होता है, 1000 बार मैंने एक ही बात कही कि मॉक मत दीजिए। अब जितनी भी कंपनियां मॉक बना रही हैं, सब ऑनलाइन क्लासेज भी चला रही हैं, तो वो चाहती हैं कि वो कुछ ऐसे मॉक दें जो बच्चों से ना हो, बच्चों को लगे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। आप एक टीचर से दूसरे टीचर के पास जाएंगे, वो भी कहेगा आपसे 2-4 ऐसे सवाल पूछ के कि कुछ नहीं पढ़ा। दीपिका सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिन्होंने करवा चौथ का बिना पानी के व्रत किया था। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका, कैसी हैं? क्या वो उम्र जो आपने बढ़ाई थी वो किसी और के काम तो नहीं आ रही है? जानना चाहूंगा मैं दीपिका जी से, जो उम्र उन्होंने किसी की बढ़ाई थी क्या वो आज किसी और के काम तो नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यही आंसर करा कि अभी आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करिए, केवल वो भी 3 सालों के जब से ऑनलाइन हुआ है, और शुरू करने का तरीका भी ऐसे रखिए 2019 में जितने एग्जाम हुए, 2018 में जितने एग्जाम हुए, इस तरीके से पीछे की तरफ चलिए, क्योंकि पैटर्न इससे ज्यादा मैच करेगा, टीसीएस का पुराने वाले पैटर्न से मैच कम करेगा, ठीक है। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्रियांशु शुक्ला ले आइए, नहीं आ रहा है तो
रोशन कुमार सर, आपने ये ऐप क्यों छोड़ दी? बेटा मैंने कोई ऐप नहीं छोड़ी, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा अभी बैचेज या किसी भी क्लास एक्स्ट्रा लेने का, मेरे पास बहुत कम वक्त है। सर आप जेन्युइन गुरु हो। ओ कोई बात नहीं प्रतीश शर्मा, हम आपके साथ हैं हमेशा। सर मैं आपकी ऐड देख के आया इधर, सर मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, क्या करूं, सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, समझ नहीं आता। यार बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, कम से कम तीन तीन, आप अगले साल का टारगेट बनाइए और तीन तीन बार अर्थमेटिक एडवांस खत्म कर लीजिए। अर्थमेटिक और एडवांस तीन तीन बार खत्म कर लीजिए भाई, यही चारा हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, सर आज से स्टार्ट करना है, कैसे करें? प्रीवियस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, कोई कोर्स आएगा क्या मैथ्स का? यस, अभी एक कोर्स आएगा 5 जनवरी के आसपास, जो मिक्स्ड क्वेश्चन का होगा, मिक्स्ड क्वेश्चन का कोर्स, और उसके बाद एक कोर्स आएगा 20 जनवरी को एडवांस मैथ्स का होगा। इसमें यही फायदा है कि बच्चा एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसको टेंशन नहीं लेनी है, जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही में होगा। सर आपकी वीडियो देखने के बाद मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जीएस के लिए कोई एजुकेटर बताइए, जीएस पढ़ना है, जितेंद्र कुमार से पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं, उनको बस यही बोलिए कि पूरा सिलेबस खत्म करा दीजिए टाइम से पहले। सर आपका न्यू बैच कब से आ रहा है? अभी बताया 6 जैन और 20 जैन के आसपास। सर मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैथ्स कैसे कम्प्लीट करें, कैसे डर लग रहा है? अरे इसमें डरने की क्या बात है, जैसे सब करते हैं वैसे कंप्लीट करिए, पढ़िए टॉपिक वाइज, नंबर सिस्टम पढ़िए, प्रॉफिट लॉस पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, और लाइन से एक एक टॉपिक खत्म करिए अपने आप। पहले टाइप खत्म करिए, फिर चैप्टर खत्म होगा, यूनिट खत्म हो जाएगी पूरी और मैथ खत्म हो जाएगा, इसमें नई चीज क्या है? सर मेरा नंबर ये है, प्लीज कॉल उठा लीजिए। ओके ठीक है। सर 2 मंथ में मैथ्स कैसे करें बताओ प्लीज, अजय सिंह। अरे 2 मंथ में कैसे करेंगे, आप तो प्लस के सब्सक्राइबर हैं अजय सिंह, और जब आप प्लस के सब्सक्राइबर हैं तो मैंने बताया आपको कि कुछ नहीं करनी, 2 महीने लगातार लाइव क्लास करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी, अगर आपको 50 में 50 नंबर चाहिए तो। सर आपकी क्लास में जो क्वेश्चंस करवाते हो प्रीवियस ईयर के, वो मुझसे सॉल्व हो जाएं, पर अनअकैडमी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या करूं सर? अरे कुछ उसमें रिलेवेंट सवाल भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल नहीं हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात है। अगर आप प्रीवियस ईयर 2018 के सारे सवाल कर पा रहे हो, 19 में जितने एग्जाम हुए सारे सवाल कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैथ्स के, जिस पे फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट प्री निकल जाए 2 मंथ का प्रिपरेशन में? यार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे नंबर सिस्टम आप कह सकते हो, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट, और इधर ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रेटल छोड़ सकते हो, ट्रायंगल सर्किल मैं बहुत महत्वपूर्ण में बता रहा हूँ, एलजेब्रा, ट्रिगो, बस। अगर आपको ये है कि मुझे बहुत ही कम टॉपिक पढ़ने हैं, 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं, 7 ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बाद एक दो और है, एवरेज, टाइम एंड वर्क, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर ये 8-9 चैप्टर पढ़ लेते हो तो मान के चलो कि 70% कवर हो जाएगा। ठीक है, सर 2020 सीजीएल का प्री टू मेंस लेवल का कोई बैच स्टार्ट होगा क्या, होल सब्जेक्ट का? यस वेट, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स कम्बाइंड बैच लाइए, सिर्फ 2 महीने हैं। ठीक है, मैं कम्बाइंड बैच ही प्लान कर लेता हूँ, आप ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, मैं 6 जनवरी को एक कम्बाइंड बैच ही प्लान कर लेता हूँ, जैसा आप बोलेंगे। सर एग्जाम प्रेशर की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? यार ये प्रेशर तो देखिए हैंडल करने से ही जाएगा। ऑफलाइन बच्चे अगर हमारे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, कोई भी अवेलेबल है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि परसों से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, 24 तारीख से
अभी तो एक्चुअली फंक्शन चल ही रहे हैं, तो परसों से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। परसों हम लोग मिलेंगे 9:30 बजे, ठीक है? देखो ये सब हैंडल करने से ही आएगा, ये सब मॉक टेस्ट जब टाइम लगा के देंगे तभी उससे ही निकलेगा। और कई बार नॉलेज की कमी से भी प्रेशर बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए और पढ़िए तभी बात बनेगी, ठीक है? सर आपके ऐप वाली वीडियो कोर्स परचेज किया हूँ, एडवांस वहां से कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है अब, थैंक यू सर। ओके कर सकते हैं आप ऐसा। सर मैथ्स में प्री में 50 मार्क्स पॉसिबल है? यस 100%। मेंस में भी 200 पॉसिबल है? सर मैथ्स को मिनिमम कितना टाइम दें डेली? 5 घंटे दे सकते हैं क्योंकि 250 नंबर की गणित है। सर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऑफलाइन तो ऐसा लगता है कि सब हो जाएगा, पर टेस्ट करने के टाइम सब माइंड से ब्लैंक हो जाता है, व्हाट टू डू? मोर प्रैक्टिस, अभी कमी है प्रैक्टिस की, मोर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, अभी बहुत कमी है। सर आपका प्लस में जो कोर्स अवेलेबल है वो मैंने के लिए भी बेनिफिशियल है? यस बिल्कुल। सर इंग्लिश में कैसे इंप्रूव करें, ग्रामर के सारे रूल मिक्स हो जाते हैं? अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो परनीत से पढ़ सकते हैं, अच्छी एजुकेटर है, अनअकैडमी पे अभी अभी ज्वाइन किया है। सर प्लीज बेसिक्स के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दो। नो बुक सॉरी, कोई बुक की देखिए बात नहीं है, बुक से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए बेसिक तो 8वीं क्लास से भी शुरू होता है, 10 से, फिर 12 से, हमें जो पढ़ना है ये 12 से 14, ये सब चीजें हमें बीच की पढ़नी है, तो आप इतना ही बीच में उठा लीजिए, ज्यादा बेसिक के चक्कर में मत पड़िए, इतना पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? सर एक बुक लॉन्च कर दें जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, 2016-17-18 के कंप्लीट। अरे नहीं ये सब आप खुद करिए, ये सब बुक बुक लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मसूर गुलाटी, हाय हिमानी जी। मसूर गुलाटी जी मैं बता दूंगा, इसीलिए तैयारी नहीं हो पा रही है, बस सिर्फ इसीलिए तैयारी नहीं हो पा रही। हाय हिमानी, हाय श्रुति, हाय ये, हाय वो, कैसी हो, क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रही हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा जीएस तैयार नहीं हो पा रही, अरे मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीज तुम्हें फोन पे ही समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी पॉलिटी भी कह रही, पॉलिटी का तो मैं बादशाह हूँ, पॉलिटी तो मैं ऐसे ऐसे बताता हूँ कि पॉलिटी खुद शर्मा जाती है। ये कौन है पॉलिटी? अरे पॉलिटी मेरे मोहल्ले में एक छोटी लड़की है, उसको मैंने समझाया, शर्मा गई। सर पढ़ा तो सब कुछ है पर जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मेथड भूल जाते हैं। सर क्या इसका मतलब, आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, आपने रटा है, अभी और मेहनत करिए आप, अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है, जब तक चीजें रटेंगी नहीं तब तक ये चलता रहेगा। जो सब्जेक्ट आपको आता होगा उसको आप बहुत आसानी से कर लेते हैं ना, ऐसे इसको भी आपको आना है, लेके आना है, अपने अंदर उतारना है। सर मैं प्लस नहीं लिया तो एडवांस में तो आपकी यूट्यूब वीडियो से हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बाकी भी और भी वीडियो ही डाल दूंगा पेपर से पहले। सर आई एम वर्किंग, सिर्फ आपकी पीडीएफ लगाने से हो जाएगा? यस हर्षिता श्रीवास्तव वर्किंग है बेटा, वर्किंग तो सब है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, कोई घर पे लहसुन छील रहा है, कोई मटर छील रहा है, सब वर्किंग है हम। सर आप बेस्ट हो, थैंक यू थैंक यू, मैसेज पढ़ चुके हैं आपका। सर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और एलजेब्रा किया है, अभी एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? एम न्यू यस हो सकता है, श्योर दिन रात पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर मैं कंपाउंडर,
अरे प्रशांत कुमार पांडे, कंपाउंडर साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका। हम तो बीएस से एमएस हो गए, बैचलर से मैरिड हो गए। सर आज तो क्लास में कुछ डिफरेंट अप्रोच है सर की। एक ही एक सवाल बार बार ना पूछें सर प्लीज। आप बेसिक्स क्वेश्चन भी करवाया करें प्लीज सर, साथ साथ में। नहीं करवाते हैं, लेकिन जो नहीं आते पेपर में उनको क्या करवाएं बेसिक्स? अब आपको बताएं 2 की घात 11 है तो बताइए अंतिम अंक क्या होगा। ये सब चीजें तो बताते ही हैं, ये बेसिक का ही पार्ट है। जब टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे इफिशियंसी आती है, वो वन डे वर्क है। सारी चीजें बताते हैं, और इससे ज्यादा बेसिक क्या बताएं? अब आप चाहते हैं कि जब आप 3 को 5 के साथ जोड़े तो डंडे खींच के बताएं, 1 2 3 डंडे, 1 2 4 5 डंडे, फिर डंडों को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे डंडे बनाऊं? थोड़ी सी शर्म करिए भाई साहब। रानी झांसी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सर आज से अगर स्टार्ट करना है कि क्या करें? आपके प्रीवियस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, कोई कोर्स आएगा क्या मैं इसका? आप लाइव ही देखो, जरूरत नहीं है प्रीवियस देखने की, वक्त है तो देख लो, वरना लाइव देखोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तक। सर कैन यू टेल मी हाउ शुड आई प्रैक्टिस मैथ्स? ओ कैन यू टेल मी, इंग्लिश देख रहे हो लड़की की? मैनी नाम है, हमारे मोहल्ले में मैना हुआ करती थी, तोता से गलबज्जी करती थी, अब ये मैनी है, ये तोती से करेंगी मैनी। हाउ शुड आई प्रैक्टिस मैथ्स? वाह क्या सेंटेंस है, गजब। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैथ्स कुछ नहीं है बेटा, अभी कितनी बार बता चुका हूँ, जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो काफी है। वक्त मिलता है तो पीडीएफ कर लो, उसके अलावा मॉक की जगह 2016 17 18 19 के पेपर कर लो। और कैसे बताऊं, अब लिखित में एक नोटिस भिजवा दूं घर पे आपके वकील से साइन करवा के? बताइए सर। आई एम वर्किंग। मैडम आप वर्किंग हैं कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगातार वर्किंग है क्या? दिन रात सुबह दोपहर शाम 3 बार आपका वर्किंग हो गया। आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। अरे काम कर रही है, बता क्यों नहीं है, करती रहिए काम। सुबह दोपहर शाम वर्किंग है, सुबह दोपहर तो गानों में भी नहीं होता। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, कभी सुना दोपहर में चाहूंगा? भैया हर वक्त नहीं हो सकते सवाल, सुबह शाम ही रखिए वर्किंग। सर ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सॉल्यूशंस भी नहीं मिल रहा उनका, कैसे सॉल्व करें सारे 2000? यार मैं खुद हूं इस चीज के लिए, डाउट बताने के लिए बैठा हूँ। मुझसे ज्यादा तो डाउट्स बताने वाला कोई टीचर नहीं होगा, जितनी ज्यादा मैं डाउट क्लास लगाता हूँ आपकी, कि आप कहीं से भी सवाल पूछिए। सर कुड यू प्लीज आस्क द मैथ्स क्वेश्चन ऑफ एसएससी कंपाइलेशन? मैंने दिया है, अभिनय मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने कंपाइलेशन दिया है। सर मेरा सीजीएल 18 क्लियर नहीं हुआ, सो इस बार आपका गाइडेंस चाहिए। श्योर, मैं तो दे ही रहा हूँ गाइडेंस। सर आफ्टर वाचिंग योर रिकॉर्डेड सेशन टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से करूँ या बुक से? प्रीवियस ईयर वो भी रिसेंट 16 से 19। कितनी बार यार, ये कितनी छोटी सी बात आप पूछ रहे हैं। गूगल पे अभिनय मैथ्स टेलीग्राम लिखेंगे अपने आप आ जाएगा। सर कंसोलिडेटेड क्वेश्चन विद आंसर पीवाई की कहां से लें? बताया तो था अभी, टेलीग्राम चैनल से लीजिए। कितनी बार बताया करें कि एक बात। सर आप क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन करवाते हो, मुझे सॉल्व हो जाते हैं, पर अनअकैडमी के मॉक टेस्ट के मैथ्स के वो थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट भी डाल देते हैं। आदत डालो थोड़ा सा, जैसे क्या है कि अगर 3 किलोमीटर की रेस जीतनी है तो 5 की प्रैक्टिस करके चलनी पड़ती है, तो ऐसे जब 5 की प्रैक्टिस करके चलोगे तभी बात बनेगी। ठीक है दोस्त। सर नेक्स्ट सीजीएल देना है, मैथ्स हो जाएगा क्या? बाकी सब तो अच्छे से आता है। यस गोपाल, देखिए नाम कैसा है इनका, गोपाल पतिदार, पतिदार है ये।
आप जैसे समझते होंगे जैसे रिश्ते, रिश्ते में अगर हम तार जोड़ दें तो रिश्तेदार, जिनसे हमारे रिश्ते होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, रिश्तेदार। ये क्या है, पतिदार। जैसे जब कोई पुरुष बहुत सारी महिलाओं का पति हो जाता है तो उसे कहते हैं पतिदार। वाह क्या नाम है, गोपाल पतिदार। वाओ वाओ बहुत बढ़िया सर, आपसे पढ़ने पर मैथ्स भी हिंदी जैसी इजी लगती है। थैंक्स ए लॉट फॉर दिस अप्रिसिएशन, फॉर दिस लव। पतिदार, अबे पतीला रख लो तुम, रूपम बपचे बोपचे। अबे किस कोपचे से आए हो तुम रूपम। सर इटलाम लेने गया था सीपीओ के पहले, बिना परमिशन के नहीं देते। यस इटलाम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे, मुश्किल है। नेहा कह रही है, नेहा नंदन सर आप शादी कर लो। सर दिल्ली आना चाहता हूँ आपसे पढ़ने, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर एसएससी। मतलब सजेस्ट क्या करना है, जब आना चाहते हो तो आ जाओ और पढ़ो बस, सजेस्ट क्या करूंगा इसमें भाई। सर अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट कंपाइल कंप्लीटेड अर्थमेटिक, नाउ स्टडिंग एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम योर वीडियो। बस कीप ऑन करते रहो भाई, यही करते रहना है। सर जीएस वाइड लगता है, नहीं हो पाता मुझसे, लगेगा है ही वाइड, लगेगा जो चीज है ही वाइड, चौड़ी है उसका क्या कर सकते हो, और करना पड़ेगा, आसान थोड़ी है सिलेक्शन, करना पड़ेगा भाई। जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई सर के ब्याप पर, मेरे से ले लो, 200 में 100 ग्राम है। ओहो अब गुलाटी कॉन्फिडेंस बेच रहा है, अबे जलेबी नहीं है गुलाटी, कॉन्फिडेंस है, 200 में 100 ग्राम ले लो है, 100 ग्राम कॉन्फिडेंस है, पसीना तो होगा नहीं तुम्हारे पास, 100 ग्राम कॉन्फिडेंस, 100 ग्राम है, वो भी बेचने के लिए। सर इंग्लिश के लिए एजुकेटर बता दीजिए, पढ़नी से पढ़ सकती है, अच्छा पढ़ाती है। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, 24 नवंबर से, ओ दिसंबर से सॉरी। सर आप यूट्यूब पर वापस कब पढ़ाना स्टार्ट करोगे, बस कुछ दिनों में, कुछ दिनों में मान लीजिए 1 जनवरी के आसपास से। सर 6 जनवरी वाला प्रैक्टिस बैच होगा। यस सीएए पर क्या ख्याल है, जरा संक्षेप में विस्तार से बताइए। एक्चुअली अभी मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अभी नहीं बोल पाऊंगा, जब इसके बारे में पूरा पढ़ लूंगा जान लूंगा तभी बोल पाऊंगा। सर मेरा नंबर इतने हैं, प्लीज कॉल पिक करना। ओके हर्षित मैनी। सर मैथ कैलकुलेटिव बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन कह रहा है कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ी बहुत गुणा भाग पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आदत डाल लीजिए गुणा भाग करने की, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, करनी पड़ेंगी ठीक है। सर एसएससी सीजीएल में एडवांस मैथ्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अर्थमेटिक के एडवांस मैथ्स ज्यादा आते हैं, लेकिन आजकल तो 55-45 का मान के चलिए लगभग इक्वल ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है। सर आपका नंबर दीजिए, ऐसे नंबर यहाँ देना पॉसिबल नहीं है। सर जीएस के लिए फिर भी दे देता हूँ, आप इस नंबर पे नंबर मैसेज करके, इस नंबर पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो ये मेरा आपको पर्सनल नंबर दे देंगे ठीक है। ऋषि यादव मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, कौन ऋषि यादव, आप कहाँ से हैं दोस्त, बिहार पटना से हैं क्या। गुरुजी एसएससी जीडी में 87 मार्क्स गोरखपुर से हैं, 87 मार्क्स एसएससी हमने सुने, बट सीजीएल कैसे करें गुरुजी, मतलब मुझे नहीं पता ये आपने पास किया या फेल किया है इन एग्जाम में, जब आप यहाँ पे कुछ कुछ मार्क्स लेके आ रहे हैं तो सीजीएल में 150 मार्क्स लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। सर एडवांस का आपका रिकॉर्डेड बैच देख रहा हूँ, वो प्री के लिए है, प्री प्लस मेंस के लिए बोथ ही है, उसमें क्या है, प्री प्लस मेंस कोई अलग थोड़ी आता है भाई, सेम ही लेवल है। सर आपका टाइम स्पीड इंडक्शन एलजेब्रा किया, अभी एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है करेंगे, आपने तो टाइटल ही बना लिया एसएससी करण एसएससी, क्या मतलब। सर अर्थमेटिक का बैच कब तक चलेगा, जनवरी 20-25 तक, बस लास्ट 20 तक मान लो। सर बैच कब से है जिसमें 2 महीने में कंप्लीट मैथ्स हो जाएगी, कल से ही पढ़ लो तुम, कल से ही शुरू कर लो,
तभी हो पाएगा 2 महीने में। सर 2018 में 410 नंबर थे, वापस कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या पढ़ूँ, फिर से पूरा शुरू से शुरू करूँ? पूरा शुरू से शुरू करो आप तैयारी, ये मत सोचो कि तुम्हें पहले क्या आता है नहीं आता, वो सब छोड़ दो। सर आपसे मिलने के लिए मुखर्जी नगर आए थे पर आपसे मिल नहीं पाए, ऑफिस में बताया सर अवेलेबल नहीं है, सर आपसे मुझे गाइड चाहिए था, आप ऑल वीडियो देखते हैं। ओके, जब भी आप दोबारा आएंगे तो मिलूंगा, अभी तो मैं बाहर था 20 दिन से इसलिए नहीं मिल पाया। सर एग्जाम में सेक्शन वाइज कितना समय देना चाहिए? देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मैथ बहुत अच्छी आती है, आप 12 मिनट में कर लेते हैं तो ये इस हिसाब से है। बाकी अगर एक जनरल की बात करें तो 18 मिनट गणित में, 15 मिनट रीजनिंग में, और 18 से इसमें 20 तक भी दे सकते हैं, 20, 10 मिनट जीएस में, 15 मिनट इंग्लिश में, इस हिसाब से देना चाहिए, कुछ खास अंतर नहीं है। बस जो भी जीएस का टाइम बचेगा वो मैथ्स को दे दीजिए, बाकी रीजनिंग और इन दोनों में तो 15-15 लगेंगे ही। सर आपकी ऑफलाइन क्लासेस कहाँ होती हैं? मुखर्जी नगर में होती हैं भाई, और भी जगह होती हैं बट वो लाइव है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा होता हूँ मुखर्जी नगर है। सर एडवांस मैथ्स नहीं आता है, कैसे पढ़ें? कैसे क्या पढ़ें? जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, और जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, फालतू ज्यादा नहीं, अपने आप आ जाएगा, ठीक है? एक ही एक सवाल दोबारा दोबारा पूछ के बेइज्जती के पात्र ना बने। सर मॉक टेस्ट कहाँ से करें? ऑनलाइन प्लीज बताओ, और बहुत जगह सर काफी डिफिकल्ट मॉक मिलते हैं, फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मत करो उन्हें। कितनी बार बताऊं कि 2016 से लेकर के 2019 तक जितने भी पेपर आए सीजीएल सीपीओ उन सबको कर लो, उसके बाद भी टाइम बचता है तो 2012 से लेकर के मेंस के सारे पेपर कर लो। दोबारा से अब ये अब की बार सवाल पूछा तो यहीं से आलू फेंक के मारूंगा गरम बिना छिला, ठीक है? सर प्लस कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैथ्स कैसे करूँ? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं और फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऐप पे भी फ्री कोर्स अवेलेबल करा देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो सब्सक्रिप्शन का जो भी पैसा है वो भी अरेंज करा देंगे, और अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो वो भी बेस्ट है। सर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दो 2018 के, हेल्प मिलेगी बहुत। चलिए मैं ही करवा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ 2016 से लेकर के 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देता हूँ लाइन से, ठीक है? रोज एक एक, अब कल जो स्पेशल क्लास होगी उसमें यही कराता हूँ, 2018 के प्रीवियस ईयर उठाता हूँ और कल कराता हूँ, ठीक है? सर एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी लगातार 10 दिन स्पेशल क्लास है, 10 दिन अभी लगातार स्पेशल क्लास है, जैसे आज कितनी तारीख हो गई, 22, 22 को, 23 को, 31 तक लगातार स्पेशल क्लास है, ठीक है? सर एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करना है, आप बुक ले सकते हैं, मेरी बुक आती है प्ले विद एडवांस मैथ्स, अगर आपको बहुत पढ़ी है कि मुझे बहुत ही ज्यादा पढ़ना है तो प्ले विद एडवांस मैथ्स बुक आती है। सर आपके ऐप पे जो वीडियो है उससे मैंने पढ़ा है, पैसे के कारण मैं वीडियो बाई नहीं कर पा रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं, आप मेरे से मेल वगैरह करके बात कर लीजिए, अवेलेबल करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन बच्चों की भी दिक्कत है उन सबके साथ हम हमेशा खड़े हैं, पहले भी थे अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। कितने बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच में हैं ऐसे, और कितने ऑनलाइन ऐप, सब जगह ही हमने ये फैसिलिटी दी है बच्चों को कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पैसे ना हो, ठीक है? सर आपकी अर्थमेटिक बुक कब आएगी? सून। सर प्रीवियस ईयर कितना जरूरी है आज के एग्जाम्स में, खासकर मैथ्स में? बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस रिसेंटली जो भी ऑनलाइन पेपर्स हैं उतना ही करना जरूरी है, उससे ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर आपने कहा था आप मुखर्जी नगर मुखर्जी नोट्स के इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड, अब ये परनीत आपको करवा देगी, आप इसको बोल दीजिएगा मेरा नाम लेके जो इंग्लिश पढ़ाती हैं कि इंग्लिश के नोट्स चाहिए, सर ने बोला है, तो खुद करवाएंगे ये लोग। सर मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस की एक एक क्लास में 5 आवर्स और प्रैक्टिस में 4 आवर्स लगते हैं, बाकी सब्जेक्ट का टाइम कम हो जाता है, कम सोइए, कम सो, पढ़ाई ज्यादा करो, सोना कम कर दो, ये बाबू सोना कम कर दो, सब हो जाएगा। सर वो एग्जाम से पहले वाली टेबलेट का नाम बता दीजिए, इटिलोम में मिलती, मुश्किल से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, इटिलोम 0.25 mg। सर मॉक कौन सी वेबसाइट पर दें? कान के नीचे मारूंगा ध्रुव अलग हो जाएगा, तारे तारे रह जाएंगे। कौन सी वेबसाइट से दें? 56 बार बता दिया कि मॉक नहीं देने वेबसाइट से, केवल प्रीवियस ईयर कर लो बस काफी है। कौन सी वेबसाइट से दें? सर कहानी आई मुखर्जी नगर का पार्ट 2 कब आ रहा है? सून। अब तो लगता है आप मेरी नौकरी लगवा कर ही मानेंगे, कुछ भी बोलता हूँ तो झंड ऑफ देते हैं। लगेगी 100%।
गुलाटी 100% लगेगी बेटा, बस मेहनत करते जाओ तुम, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी नौकरी से। लक्ष्य सोनी सर ऑफलाइन में ज्वाइन करना है, फ्रेश बैच राजस्थान से हूँ, अभी जनवरी में स्टार्ट होगा, आ जाइएगा सर। क्वेश्चन हो जाते हैं पर टाइम ज्यादा लगता है, जल्दी अभी प्रैक्टिस करेंगे और तो कम हो जाएगा टाइम ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे। एक रास्ते पे पहली बार जाओ टाइम ज्यादा लगता है, बार बार जाओ आदत पड़ जाती है, आंख बंद करके चले जाते हैं हम उसके मोहल्ले में आए करने, चले जाते हैं कि नहीं चले जाते बताओ। पहले उसका घर ढूंढने में ही महीनों लग गए थे, अब घर पता चल गया तो ये भी पता होता है बालकोनी में मोहतरमा कितने बजे खड़ी हूँ कि बाल झाड़ेंगे और आप वो बालों का पानी पियेंगे, बताइए, वक्त वक्त की बात है। सर मैथ के लिए आपकी यूट्यूब वाली वीडियो सफिशियंट है? यस, अच्छा पढ़ा है मैंने, उसके अलावा और प्रैक्टिस करी है सर, प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ टॉपिक्स। ओके सर, मैं आपके एडवांस बुक से प्रैक्टिस करता हूँ, सही रहेगा? ओके अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही क्यों नहीं रहेगा। सर 1 जनवरी से अर्थमेटिक प्लस एडवांस लाइए सर प्लीज, बहुत चिंता हो रही है एग्जाम की। ओके सचिन ड्यूज, बेटा आप न्यूज रख लेते इससे अच्छा तो, ड्यू किसी का क्यों रखा आपने? शुभकामनाएं फिर, बस मेरे सर नहीं बदलने चाहिए और सर मुझे मिलना है आपसे परी निकालने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे गौरव। सर मैं सीजीएल सीपीओ से पेपर कर रही हूँ आपके कहने पर, और क्या करूँ? राखी भगत, कुछ नहीं, फिर 2017 के भी करो, 2019 में जितने एग्जाम हुए उनके करो, 2016 भी करो। गुरु जी आपके नोट्स लग रहा है एनफ है ना? यस, ये लड़का पागल हो गया है, एक ही बार 56 बार पूछ रहा है। सर मैं आपका क्लास लेना चाहता हूँ, कैसे करूँ सर प्लीज? कहाँ पे लेना चाहते हैं कुछ बताएंगे? मैंने कब मना किया? क्लास लेना चाहते हैं तो लीजिए, 2018 के सारे पेपर कर रही हूँ। बेटा कितनी बार कहोगी एक ही बात, बार बार कहने से शब्द का वजन बढ़ जाएगा क्या? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो जाते हैं बट टाइम बहुत लगता है, व्हाट टू डू? कुछ नहीं भैया, और सीखो प्रैक्टिस करो, वक्त तभी ज्यादा लग रहा है जब नॉलेज नहीं है, नए नए हो अभी, जैसे पुराने हो जाओगे अपने आप वक्त कम लगना शुरू हो जाएगा। नई नई दुल्हन आती है तैयार होने में 3 घंटे लगते हैं, पुरानी हो जाती है 5 मिनट में तैयार होके खड़ी हो जाती है। स्पीड कैसे बढ़ाए? कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, बार बार सवाल करिए, गुणा भाग करिए। सर वहां आके सर आपकी बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो, बुक के सबके सॉल्यूशन है, कौन सा कह रहा है? हर बुक के सॉल्यूशन है, मैंने तो अर्थमेटिक की भी हैंड रिटन दे रखे हैं सॉल्यूशन, इससे ज्यादा और क्या करें? सर प्रीकेट मेंस की तैयारी के लिए ऑफलाइन में आएंगे, कुछ डिस्काउंट दीजिएगा? 100% जो बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, जो भी बोलेंगे। सर आपका नया शिष्ट चरण स्पष्ट टेलीग्राम में 2017-16 अपलोड कर दो सर, बाकी सब है। ओके जी बिल्कुल बनाता हूँ मैं। देखो ऐसी ऐसी फोटो वायरल हो रही है, ये क्या हो रहा है, बहुत ही गलत है इस तरीके से फोटो। सर आई एम न्यू, मैथ्स के क्वेश्चन बेसिक से हो जाते हैं पर टाइम लगता है, क्या करें कम टाइम में करने के लिए? बेटा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, और कोई चारा नहीं है, प्रैक्टिस ही है मेन, जितना ज्यादा आप कर पाएंगे। सर मेरी एडवांस स्ट्रांग नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर कोर्स की वीडियो देखी बट वो प्रॉपरली नहीं चलती, क्या करूं? प्रॉपरली नहीं चलती, हाँ कोई बात नहीं, अब आप न्यू, अरे न्यू वाली वीडियोज कर लो, आप तो प्लस पे हो ना, तो आप नए वाली लाइव क्लासेस कर लो डायरेक्ट। सर जीएस का सीक्वेंस बता दीजिए, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ूं? भाई पहले पॉलिटी पढ़ लो, फिर हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जरूरी है, करंट अफेयर जरूरी है, फिजिक्स जरूरी है, केमिस्ट्री जरूरी है, इन सब के बाद टाइम मिलता है तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स के टाइम बढ़ता है तो फिर बायोलॉजी पढ़ो, उसके बाद छोड़ना चाहते हो तो ज्योग्राफी को छोड़ सकते हो बस। सर ग्रेड लिए नहीं करो, नहीं करो, काफी टफ है, कोई फायदा नहीं है। ओके जैसे ही क्वेश्चन आने देंगे, क्वेश्चन आ गए हैं क्या 2019 के सीपीओ के? क्या क्वेश्चन आ गए? मैं जान सकता हूँ क्वेश्चन आ गए? सर प्री प्लस मेंस के लिए जितने आवर्स की प्रैक्टिस करें, 200 घंटे की बहुत है,
200 आवर्स बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। अच्छा रहा सब, बहुत अच्छा रहा, ऑसम रहा, बहुत एंजॉय किया। सर होल सब्जेक्ट का बैच बता दो नेक्स्ट सीजीएल के लिए, इसमें मैथ्स आप पढ़ाओगे सून, जल्दी आने वाला है, एक दो दिन में ही। सर एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, 2018 मेंस में भी यही प्रॉब्लम हुई, इसे कैसे सही करूं? बट अब प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, अभी आता नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हो नॉलेज की, तब भी देखिए नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस देती है जब आपको सारी बातें पता हो। और कितनी जल्दी हम टीचर से नज़र मिलाते हैं कि कहीं से भी सवाल पूछ ले, यानी कि कॉन्फिडेंस हाई। और जब हमें चीज़ें याद नहीं होती, कहीं कहीं अटक रहे होते हैं, तो हम टीचर से नज़र बचाते हैं कि यार मेरे से ना सवाल पूछ ले। तो वही सेम सीन है, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपकी नॉलेज भरपूर हो जाएगी। सर आजकल मैथ्स में ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे करें? मैंने पढ़ाया है ग्राफ, बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जो रह गया वो अभी और भी बता दूंगा। अनअकैडमी में आने के बाद यूट्यूब स्टूडेंट्स को भूल गए मेरे, आपके ओल्ड वीडियो देखकर ही 195 थे। वाओ, बिल्कुल भी नहीं भूले, कॉन्ग्रेट्स, यू आर द हीरो। और ना भूलें कभी, ना भूल पाएंगे भाई, कभी नहीं। सर आप एक अच्छे एजुकेटर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक्स तिवारी जी, ये चीज आप लोगों की दिल छू जाती है कि अच्छे इंसान जब आप हमें कहते हैं, और ये सच्चाई भी है। सर मेरे मार्क्स 100-112 पर स्कोर जाकर अटक जाता है, तो बेटा देखो ना कि आपके 88 से 100 नंबर कहाँ कट रहे हैं, चेक तो करो कि आपको आता नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, चक्कर क्या है, या आपको चेक करना पड़ेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। सर एडवांस मैथ्स की न्यू वीडियोज कब आएगा? बताया था अभी 20 जनवरी से। सर आपका यूट्यूब क्लासेस कब से शुरू होगा? यार सुन, आप ऐसे मान के चलिए कि जनवरी के 1-2 तारीख में शुरू कर देंगे, ठीक है। सर क्या रिमेनिंग टाइम में सीजीएल निकल जाएगा? यस श्योर, क्यों नहीं निकलेगा। सर 460 मार्क्स हैं सीजीएल 2018 में, अब टीयर 3 पे ध्यान दो या 2019 प्री पे? दोनों पर दो, अभी पहले टीयर 3 पे दो पहले, ये तो 29 तारीख को है, और उसके बाद 2019 प्री पे ध्यान देना। गौरव जी, गौरव प्लीज मुझे मेल करिए आप प्लीज। सर मेरा बेसिक ठीक नहीं है, प्लस वाले में हो जाएगा ना, यूट्यूब से देखूं या प्लस कोर्स करूं? टाइम भी तो नहीं है, अभी तो सब्सक्रिप्शन लिया है। ओके, अभी आप लाइव क्लास देखो, यूट्यूब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ना पुराने वीडियोज देखो ना कुछ। सर क्या रिमेनिंग टाइम में यार ये आईडी मांग रहे हैं गौरव जी, मेरी आईडी है abhinay1912@gmail.com। भाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल यार गोपाल पतिदार, सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल लेके आ रहा हूँ, और तुम्हारी ये बात मैं अपने दिमाग और जहन में रख रहा हूँ। 7 दिन में एक बार नहीं, 7 दिन में 5 बार 4 बार, ठीक है। थैंक यू सर एसएससी 2016-18 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जी सर सीपीओ 2019 के क्वेश्चन, देखिए मेरे को अभी पता नहीं है, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि सीपीओ के क्वेश्चंस आ गए, आंसर की आ गई है क्या सीपीओ की? नहीं आई है ना अभी, जैसे ही आंसर की आ जाएगी तो मैं सीपीओ के क्वेश्चन भी करवा दूंगा सोल्ड, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस बात की। दीपक प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल से, कैसे हैं दीपक जी? मैंने सुना है आप बहुत मछलियां खा रहे हैं तल तल के, क्या सच्चाई है? अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें? पीडीएफ से करें। सर यूट्यूब में आपका क्लास कब से शुरू होगा? मैंने बताया अभी जनवरी में ही शुरू करता हूँ। सर आई एम वर्किंग नाउ, रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, थैंक यू, नया बैच सर, थैंक यू। थैंक यू अशोक जी, बेटा अभी आप इस पे करो, पर्सनल नंबर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा जब आप इस पे मैसेज करेंगे तो, ठीक है। व्हाट्सएप एडिक्शन कैसे कम करें? सलोनी, व्हाट्सएप एडिक्शन कम करने का सबसे आसान तरीका है, जो ग्रुप है उनको म्यूट कर दीजिए। इन सब के बाद भी कुछ अगर नहीं होता है तो नए नंबर से व्हाट्सएप इंस्टॉल कीजिए,
और केवल काम काम के लोगों से बात करिए, फालतू फालतू लोगों से नहीं। ठीक है, नहीं डिलीट करके तो काम नहीं चल सकता। देखिए अभी आजकल बहुत जरूरत है व्हाट्सएप की, डिलीट करके काम नहीं चल सकता, व्हाट्सएप रहना भी चाहिए। लेकिन उतना ही देखो, अति तो हर चीज की बुरी होती है, किसी भी चीज की आप कर लो, ज्यादा करोगे तो यही होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास कल होगी, कल मिलते हैं, तब तक मैं विदा लेता हूँ। कल एक क्लास होगी स्पेशल क्लास, जिसमें मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा पूरा। तो अभी के लिए उतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विनीत भारद्वाज, इग्नोर क्यों मार रहे हैं बता दो, कौन सा बेस्ट कोर्स है ऑफलाइन ऐप अनअकैडमी? कहीं भी यार, आपको जहां ठीक लगता है आप कहीं भी पढ़ लें, सब बेस्ट है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं यहां पे बेस्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं वहां पे बेस्ट पढ़ा रहा हूं? तो ये मेरे लिए धिक्कार होगा, दुख की बात होगी। जो आपको ठीक लगता है वही बेस्ट है। तीन ब्रांडों के जूते हैं, आपको जो ठीक लगे वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।